राज्य सरकार प्रदेश के हर विकास खंड में कम से कम एक गांव को बरसाना की तर्ज पर विकसित करेगी। इन्हें वृंदावन माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के आदर्श और सिद्धांतों का प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा हर नगरीय निकाय में एक गीता भवन केंद्र भी बनेगा। ये घोषणा रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित जन्माष्टमी उत्सव में की। वृंदावन ग्राम के चयन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। शहरों में बनने वाले गीता भवन में पुस्तकालय, पार्किंग और कैफेटेरिया भी होगा। ये ऐसी जगह बनेगी जहां लोग पैदल पहुंच सकें। बुजुर्गों, सामान्य पाठकों और छात्रों के लिए अलग अलग रीडिंग रूम होंगे। दरअसल ऐसे गाँव होंगे जहाँ 60% खेती, गौशाला संचालन और दुग्ध उत्पादन हो रहा हो। वृंदावन ग्रामों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। हमारी सरकार ने इसलिए तय किया है कि हर घर कृष्ण बने, हर माँ यशोदा बने, तो हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, हर स्थान पर नगरी निकाय के माध्यम से गीता भवन की भवन बनाने का काम हमारी सरकार ने निर्णय किया है। गीता भवन बनते ही हमारी धार्मिक सभी प्रकार की गतिविधि चलने के साथ ज्ञान चर्चा, परिचर्चा, साहित्य चर्चा, सब प्रकार के विचार विमर्श के केंद्र ये गीता भवन बनेंगे। और गांवों के अंदर भी अपने यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी ऐसा माना जाता है, तो कम से कम एक ब्लॉक के अंदर एक गांव हमारा बरसाना के नाते से जाना जाएगा, गोकुल बरसाना नंद बाबा के गांव की तरह, जहां पर अपने गांव में सभी आदर्श स्थापित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से हमारी प्राचीन संस्कृति फिर पुष्पित पल्लवित हो, फिर उसको लोग समझे जाने, जहां पर हमारे अपने बुजुर्गों का सम्मान हो, सभी प्रकार के हमारे सुशासन के प्रतीक स्कूल, खेल के, दूध के लिए गौशाला और संस्कार की पाठशाला, सभी व्यवस्था स्थापित हो, सरकार के नाते से ऐसे कई काम करने के निर्णय हमारी सरकार ने किए हैं।